राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के जीवन पर आज हम प्रकाश डालेंगे। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को महामंदिर जोधपुर राजस्थान में हुआ। वो एक माली के घर पर जन्मे थे तथा इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत था, जिनका पैसा जादूगरी था। उनकी माता का नाम सेवा देवी था। उन्होंने विज्ञान और कानून में स्नातक की पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अशोक गहलोत जी की राजनीतिक यात्रा उनके संघर्षपूर्ण जीवन के अध्यायों से भरी है। वे छात्र संघ के अध्यक्षों में से एक थे और विभिन्न पदों पर कार्य करके अपनी पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया। अशोक गहलोत की राजनीतिक यात्रा 1970 के दशक में शुरू हुई, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने निरंतर कठिनाइयों का सामना करते हुए धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूना आरंभ किया, जिससे वे राजस्थान में पार्टी की मजबूत मौजूदगी को बढ़ावा मिला। जब 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम प्रक्रिया में अशोक गहलोत ने NSWI कार्यकर्ता के तौर पर बंगाल में शरणार्थी शिविरों में काम किया, उसी वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निगाहों में आ गए। इंदिरा गांधी की निगाहों में आना गहलोत के जीवन में सियासी करियर का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद गहलोत लगातार तरक्की करते रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव 1977 में सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी माधव सिंह को 4,426 वोटों से हराया। अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए अशोक गहलोत को अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी थी। 1980 में उन्होंने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और 52,590 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 1984 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 1989 में वे फिर से जोधपुर से चुनाव लड़े और इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 1991 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटी, उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव, जिनका पूरा नाम पामुलापती वेंकट नरसिंह राव था, के द्वारा फिर से केंद्रीय मंत्री पर नियुक्त किया गया। 1998 में कांग्रेस ने 200 में से 153 सीट जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। 2003 में कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस ने सिर्फ 56 सीटें जीती। और जब 2008 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस बहुमत से 4 सीटों से पीछे रह गई थी। और अस्थिरता को रोकने के लिए गहलोत, जो कांग्रेस के प्रमुख संकट मोचक थे, को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और इस तरह उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन इसके बाद 2013 में कांग्रेस को 200 सदस्यीय विधानसभा में केवल 21 सीटें जीतकर अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2013 में गहलोत को AICC महासचिव नियुक्त किया गया। वे 2018 तक इस पद पर बने रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक बार कांग्रेस सत्ता में आई तो सबसे खराब स्थिति के बाद कांग्रेस को पुनरुद्धार करने वाले अशोक गहलोत को फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। गहलोत ने सामाजिक न्याय और समावेशी शासन के कारण जनता के बीच अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ा है। गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी योजनाओं के कारण उन्हें और राजस्थान को अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है। गहलोत के नेतृत्व में विकास और समृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई गई, जैसे कि जन सूचना पोर्टल, भूभाग्य योजना, जल स्वावलंबन अभियान, अन्नपूर्णा भंडार योजना। गहलोत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बिरला आश्रम में नव युवतियों को शक्तिशाली करने के लिए सामुदायिक योजना भामाशाह योजना के सफल अमल का प्रमुख उल्लेख है। उनकी नई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को 25 लाख तक का इलाज फ्री और दुर्घटना में मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है।
उम्मीद करता हूँ कि इस चरित्र से आपको अशोक गहलोत की राजनीतिक योग्यताएं और उनकी सफलताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।